हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का इनकम स्टेटमेंट, और इसके लिए अपन ले रहे हैं अपनी वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 4। टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या किया, फॉर्मेट पहले बता दिया है। देखिए फॉर्मेट में आप देखिए, क्वेश्चन में ईयर जो दे रखे हैं वो 2017 एंड 16 दे रखे हैं, लेकिन मैंने बताया पहले हमेशा ईयर 1 आएगा। तो देखिए ईयर 1 का पहले डेटा देख लो, 60 लाख आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, अदर इनकम मैंने इसमें जोड़ दी है 150, आपके टोटल रेवेन्यू आ गया 61,50,000। देन माय एक्सपेंसेस दे रखे हैं, चेक करो एक्सपेंसेस है 44 लाख के, वो मैंने लेस कर दिए, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स की आपको रेट दे रखी है 35%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आप यहाँ 35% टैक्स लगा देंगे तो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सेम इसी तरह से ईयर 2 का अपन ने डेटा जो है वो निकाला है, और अपन को इसका देखना है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपका कैसा बनेगा। हेडिंग वही है आपकी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बेजेस कंपनी एज एट जो भी डेट है आपकी। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, 60 से 75 लाख हो गया कितना बढ़ गया 15 लाख, 150 से 120 हो गया कितना कम हो गया माइनस का 30, 60 से 76 20 हो गया कितना बढ़ गया 14,70,000, 44 लाख से 50,60,000 हो गया कितना बढ़ गया 6,60,000, 1750 से 2560 हो गया कितना बढ़ गया 8,10,000, 612 से 1,24,000 हो गया कितना बढ़ गया 4,11,500, सिंपल माइनस है 1137 से 1536 हो गया कितना बढ़ गया 3,98,500। तो एब्सोल्यूट चेंज तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का डिफरेंस है और कुछ नहीं। परसेंटेज चेंज निकालो तो वही फॉर्मूला, क्या एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय डेटा ऑफ फर्स्ट ईयर इनटू 100, जैसे यहां निकालना है तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है सर 15 लाख, डेटा फर्स्ट ईयर कितना है सर 60 लाख, इनटू 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 25%, तो यहां लिखेंगे 25%। वैसे यहां निकालेंगे 30,000 डिवाइड बाय 150 इनटू 100 दैट इज 20%, 1470 डिवाइड बाय 6150 दैट इज 23.9%, 660 डिवाइड बाय 44 लाख इनटू 100 दैट इज 15%, ये माइनस का है, 8,10,000 डिवाइड बाय 17,50,000 दैट इज 46.29%, 4,11,000 डिवाइड बाय 6,12,500 दैट इज 67.18%, एंड 398 डिवाइड बाय 1137 इनटू 100 दैट इज 35.03%। इस तरीके से आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो बना सकते हैं इनकम स्टेटमेंट के लिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि टॉपिक जो है नॉर्मली एग्जाम में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही आया है, कॉमन साइज बहुत कम बार आया है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एज कंपेयर्ड आसान भी है, और इसके सॉल्व करने के लिए हमेशा फॉर्मेट यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला भी हमेशा यही रहना है, चाहे बैलेंस शीट का क्वेश्चन कर रहे हो चाहे आप इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर रहे हो, फॉर्मूला एक ही है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय डेट ऑफ फर्स्ट ईयर इनटू 100। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, 60 लाख से 75 लाख हो गया कितना बढ़ गया, हमेशा ही एब्सोल्यूट चेंज ऐसे निकलना है और ऐसे ही हमेशा परसेंटेज निकलना है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप लिख के एक बार सॉल्व कर लीजिए, परफेक्शन आ जाएगा, फ्री के 4 मार्क्स हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने। ओके, थैंक यू।